इस बीच एक और बड़ी खबर आप देखिए, चीन से जो टेंशन बढ़ गई इन सब के बीच, फ्रांस से भारत पहुंचा राफेल। फ्रांस से आए आखिरी राफेल विमान का ग्रैंड वेलकम किया गया। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा है राफेल। वाटर सैल्यूट से राफेल विमान का स्वागत किया गया। फ्रांस से 36 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अभी 6 साल पूरी। पूर्वी वायु कमान के वायुसेना स्टेशन हासीमारा में 36वां राफेल विमान पहुंचा, जिसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। इसके साथ ही फ्रांस से पहुंचे 4.5 पीजी के लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पूरी हो गई है। इस पर भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, इंतजार खत्म, पैक पूरा। इसके साथ ही देश की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह तैयार है। देश की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर माने जा रहे राफेल विमानों की पहली खेप में 5 विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर जुलाई 2020 में उतरे थे। इन्हें 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा बनाया गया था। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि राफेल करार दुनिया और खासकर उनको संदेश है जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं। राफेल में हेलमेट माउंटेड विजन, रडार रिसीवर, 10 घंटे की उड़ान लायक ईंधन टैंक, उड़ान डेटा रिकॉर्डर, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम और अपनी ओर आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने जैसी तकनीकें हैं। आपको बता दें कि हर एक राफेल विमान की कीमत 670 करोड़ रुपए है।